वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको साइंस की वर्कशीट नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। 23 डेट है। देखो आज की जो वर्कशीट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फर्मेंटेशन से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। देखो मैं एक बात और आपको बता दूं, मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई है। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा, फिर मैं हिंदी मीडियम में बताऊंगा। ठीक है, उनके सॉल्यूशन भी मैंने सारे कर रखे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा सुने ताकि आपको क्लियर हो जाए कि करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, और अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर मेरी मेहनत भी खराब होगी और आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। देखो यहाँ पर इट इज पिंकी बर्थडे टूडे, ये कह रहा है कि पिंकी का बर्थडे है आज। ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंड फादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे। उसके जो दादाजी हैं वो उसके लिए छोले भटूरे लेके आते थे मार्केट से। ठीक है, हर बर्थडे को वो लाते थे, उसको फेवरेट है। लेकिन अब आपको पता है कि कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है तो उसके दादाजी ने मना कर दिया और हर मदर प्लान टू गिव हर ए सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। उसकी मम्मी ने कहा चलो मैं आज अपनी बेटी को घर पर ही बना के खिलाती हूँ, उसको बिल्कुल कर देती हूँ सरप्राइज। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप सबको भी अभी साथ के साथ ही समझ लेना है क्योंकि दोनों में लैंग्वेज ही है। ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा, उन्होंने कुछ मैदा ले लिया जिसे आटा कहा जाता है फ्लोर। शी एडेड सम अमाउंट ऑफ शुगर, उन्होंने क्या करा कुछ उसमें शुगर डाल दी। 2 pinch ऑफ यीस्ट पाउडर डाल दी, यीस्ट का पाउडर डाले, पॉइंट भी नोटेड क्योंकि ये जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपसे पूछा भी जाएगा। एंड नीडेड उसको उन्होंने गूंद दिया, गूंधना आपको पता होगा गूंथना किसे कहते हैं। इट विद ल्यूक वार्म वाटर इन टू अ सॉफ्ट डो, और पता है उन्होंने क्या करा हल्का सा गर्म वाटर ले लिया था। ठीक है, और सॉफ्ट डो मतलब होता है ये जो हमने जो आटा गूंथा वही। ठीक है, तो उसको बिल्कुल उन्होंने क्या करा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट गूंथ लिया है और लेफ्ट इन टू कंटेनर फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए उसे खाली छोड़ दिया है। आफ्टर फ्यू आवर्स कुछ समय बाद क्या होता है पिंकी ने ऑब्जर्व करा कि अरे ये डॉग जो है ये तो राइज अप हो गया, मतलब ऊपर उठ गया, इतना फूल कैसे गया। तो फ्रॉम दिस डॉग हर मदर हैड मेड टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरे, इसी डॉग से उन्होंने क्या करा बड़े ही टेस्टी और क्रिस्पी जो है भटूरे बना दिए। पिंकी बहुत ज़्यादा खुश थी, शी हैव हर फेवरेट डिश, क्योंकि उसको उसकी फेवरेट डिश मिल गई उसके बर्थडे पर। हियर द डो है राइज अप, अब आपको बता रहा है कि आखिर जो डो है ये बढ़ कैसे गया, मतलब ऊपर उठ कैसे गया, क्यों उठ गया, क्योंकि तेजी से उठने लग गया क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो रेस्पायरेशन हुआ, क्योंकि जो यीस्ट थे वो रेस्पायर कर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लग गई। दिस गैस गेट एंट्रैप्ड इन ड्यू टू विच विद द डो राइज अप, जिसकी वजह से पूरी की पूरी आटे के अंदर गैस भर गई और वो क्या होने लगा डो जो है वो फैलने लग गया, मतलब फूलने लग गया। हर मदर टोल्ड हर, उसकी माता जी ने उसे बताया दैट दिस इज हाउ ब्रेड, इस तरीके से ब्रेड है, केक्स है, पेस्ट्रीज है। ये भी पॉइंट नोट करना कि जो ब्रेड है, केक्स है, पेस्ट्रीज है, ये सारी की सारी जो है सॉफ्ट एंड स्पंजी जो है इसी से बनाई जाती है। किससे, ये हमारी यीस्ट से। और दिस प्रोसेस आज यूज टू मेक अल्कोहल, इसका प्रयोग जो है अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने के लिए जाता है। ये सारा का सारा जो हमने प्रोसेस पढ़ा ये फर्मेंटेशन है, तो हम फर्मेंटेशन की डिफाइन क्या दे सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। हिंदी में प्यारे बच्चों फर्मेंटेशन को किण्वन कहा जाता है। ठीक है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं शुगर को किसमें बदल देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा चीनी या शुगर की अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले किसने करी थी, लुई पाश्चर ने 1857 में की थी प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी तो हमने अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, सॉरी अभी तक तो हमने पूरे अच्छे से वर्कशीट समझ लिए। अब क्वेश्चन आंसर है, अब इन क्वेश्चन आंसर को फटाफट पढ़ लेते हैं और इसके आंसर आप फटाफट देख लेना। ठीक है, पहले आप ट्राई करना खुद ढूंढने की, फिर आप आंसर मैच कर लेना ताकि इससे पता लग जाएगा कि आपको कितनी कंसेप्ट लर्निंग अच्छे से आते हैं। देखो अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप सीखने के लिए तो पढ़ रहे हो ना प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप एक बार अच्छे से समझ लो। फटाफट हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इससे बोले फर्मेंटेशन प्रोसेस की आपको डिफाइन देनी है, उसकी खोज किसने करी आपको मैंने बता दिया। नेम एनी 5 products दैट आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये कह रहा है 5 products बताइए जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बने हैं।
ठीक है, मैंने आंसर लिख रखे हैं प्यारे बच्चों, पहले आप अपना ट्राई कर लेना, ठीक है। विच माइक्रोबियम इज हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये कह रहा है कौन सा सूक्ष्म जीव है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, वो यीस्ट, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था कि नेम एनी फूड प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी के कोई भी फूड लिखिए जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है, जैसे छोले भटूरे, केक्स, आप अपनी पसंद का लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन उसमें एक बात कंडीशन है, फर्मेंटेशन का यूज होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटीज, एज ये कह रहा है कि ये जो डो है जो प्रिपेयर किया जाता है ये ऊपर के उठने लग जाता है, तो आपको मैंने ऐसे समझाया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं फटाफट उसमें बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से करंट सेल उसमें पैदा करंट सेल बनने लग जाते, सांस निकालते हैं ना वो अपनी, तो फूलने लग जाता है, इस तरीके से डो जो है राइजअप हो जाता है। ऐसे हिंदी में भी यही चीज़ है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं आपके हेल्प के लिए पढ़ देता हूँ। देखो किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए, इस प्रक्रिया को खोज किसने करी, तो चीनी, ठीक है, चीनी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन को, परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है, और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। फिर ऐसे सेकंड क्वेश्चन है कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके नाम लिखिए, तो सारा वर्कशीट में था, आपने देखा होगा। ऐसे कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक होता है, वो है यीस्ट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि आपकी पसंद के कौन से हैं जो आपको अच्छे लगते हैं लेकिन वो किण्वन प्रक्रिया से बने, तो छोले भटूरे, केक। ऐसे पांचवा पूछा गया कि पूरा प्रोसेस बताइए किस तरीके से जो कोई भी चीज होती है जैसे आटा वो फूल क्यों जाता है, बोलो कि यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट जो कि एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ने तेजी से जन्म करना शुरू कर दिया और श्वसन लेना शुरू कर दिया, जिस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे जो छोटी जो गैस है वो क्या होने लगी, उसके अंदर भरने लग गई और बुलबुलों के रूप में उसमें भरने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसमें फंस गई और वो फूलने लग गया। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, एक बार आप सारे आंसर्स देख लीजिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड listening carefully.